हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों का भी दिल करता है भाई अच्छे अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम खेलो, और आप लोगों का भी दिल करता है कि भाई अच्छी सी उसमें स्टोरी हो, एक्शन हो, बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड हो और आप लोगों को गेम खेलने में मजा भी आए, लेकिन आप लोगों के पास कोई तगड़ा पीसी या कंसोल नहीं है और एक सिर्फ एंड्रॉयड या आईओएस फोन ही है जो कि आप लोगों के पास है और उसी पे आप लोग खेलना चाहते हो, तो टेंशन मत लो। मैं कुछ ऐसी गेम्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि आप लोग अपने एंड्रॉयड आईओएस इस पे भी खेल सकते हो। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को तगड़े ग्राफिक्स, अच्छी स्टोरी और तगड़ा ओपन वर्ल्ड गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूंगा, अगर मेरे दूसरे चैनल बिल गेमिंग को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और चेकआउट नहीं किया वहाँ पे गेम प्ले, तो जल्दी से जाके पहले वो काम कर लो और बस अब फिर सीट बेल्ट कस लो क्योंकि शुरू करने वाले हम आज का वो वीडियो। दोस्तों नंबर फर्स्ट पे हमारे पास निकल के आता है मिशन जीरो। अरे भाई साहब, इसकी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा तगड़ा और कमाल का गेम। दोस्तों ये गेम हमारे पास नेटीज वालों की तरफ से निकल के आता है और ये अभी अर्ली बीटा स्टेज में है, यानी कि अभी अर्ली एक्सेस में भी नहीं आया, बीटा स्टेज में चल रहा है ये गेम, और आप लोगों को ये बहुत जल्द अपने एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेस पे देखने को मिल जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन इसकी चल रही है और यहाँ पे आप लोग कह सकते हो ये एक क्लोन है हिटमैन गेम का, जो कि भाई कंसोल पीसी पे आती है। तगड़े ग्राफिक्स हैं और वैसा ही आप लोगों को सारा का सारा एनवायरनमेंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोगों का एक करेक्टर जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है जो कि भाई एक मिशन पे, एक नहीं काफ़ी सारे मिशन पे निकला होता है, और भाई बिल्कुल वैसा ही स्टेल्थ गेम प्ले है, यानी कि आप लोग पुलिस वालों को, प्लम्बर को या जो भी बंदा आप लोग चाहिए होता है उसको मारते हो, उसके कपड़े पहनते हो और भाई सिक्योरली और चुपके चुपके सारा काम निपटाते हो बगैर किसी को शक हुए। तो गेम काफ़ी तगड़ा है, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए चल रहा है और गेम का साइज कोई 3 GB के राउंड अबाउट रहने वाला है। गेम ऑनलाइन तो होगा लेकिन तगड़ा मजा आता है गेम खेल के। अब भाई इसी के साथ में बढ़ जाए आगे बात की जाए इसके नंबर सेकंड गेम की, तो निकल के आता है गैंग पायर फायर एंड फ्यूरी। अब यहाँ पे ये जो गेम है ये एक GTA स्टाइल का तो होने वाला है, बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को GTA टाइप के ग्राफिक्स और गेम प्ले देखने को मिलेगा। कहीं पे ये गेम 3D हो जाएगा और कहीं पे आप लोगों को ड्रोन व्यू कैमरा एंगल देखने को मिलेगा, तो भाई बीच में ये चीज़ थोड़ी गंदी लगती है, यानी कि ड्रोन व्यू कैमरा एंगल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीच बीच में थर्ड पर्सन व्यू भी आता है तो आप लोगों को वो भी चीज़ अच्छी लगेगी। गेम में अच्छी स्टोरी है, एक RPG स्टाइल का गेम आप लोग कह सकते हो कि रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को टैक्टिक वगैरह बनाने पड़ेंगे और ढेर सारी टेरिटरीज पे कब्जा करना है। गेम का साइज है 309 MB और गेम ऑनलाइन है। तो गाइस अब इसी के साथ में बढ़ा जाए आगे बात की जाए इसके नंबर थर्ड गेम की, तो निकल के आता है डिसमेंटल। अब यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है गाइस एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट में सेट है गेम, जहाँ पे हर तरफ बहुत ज्यादा डरावने क्रिएचर्स फैले हुए हैं, ज़ॉम्बी टाइप की चीजें हैं जो कि आप लोगों को मारने पे तुली हुई है, और इस टाइप के हार्श एनवायरनमेंट में आप लोगों ने सर्वाइव करना है। और आप लोग जब गेम स्टार्ट करते हो तो आप लोगों के पास कोई एक सिंगल वेपन भी नहीं है, लेकिन अपने हाथ तो है ना भाई, तो उनके साथ आप लोगों ने चीजें क्राफ्ट करनी है और गेम में आगे बढ़ना है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 753 MB। गेम ऑफलाइन रहेगा और यहाँ पे ये गेम अभी सिर्फ iOS डिवाइसेस पे आया, लेकिन बहुत जल्दी एंड्रॉइड डिवाइसेस पे भी आ जाएगा। तो चलो फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं लिस्ट में आगे, बात करते हैं लिस्ट के नंबर फोर्थ गेम की, तो निकल के आता है स्क्विड सिमुलेटर 2। अब गेम के नाम में ही वही है जो गेम के काम में होने वाला है, यानी कि यहाँ पे आप लोग प्ले करने वाले रोल एक स्क्विड का, यानी एक गुलहरी का, जो कि भाई साहब एक जंगल में रहती है और भाई उसकी जिंदगी में क्या क्या उसको चैलेंजेस और चुनौतियाँ आती हैं जो कि उसने भाई रोज़ करनी होती हैं, और भाई अपने लिए खाना लाना होता है, ढेर सारे एनिमल्स हैं जिनसे बचना होता है, अपनी कम्युनिटी को बचाना होता है और बहुत सारा कुछ करना होता है। गेम का साइज छोटा सा है, यानी कि 70 MB का गेम रहने वाला है और गेम ऑफलाइन रहेगा। वैसे इसी के साथ में बढ़ा जाए आगे बात की जाए इसके नंबर फिफ्थ गेम की, तो निकल के आता है न्यू डॉन। अब अगर आप लोगों को जेंसन इम्पैक्ट टाइप के गेम्स पसंद होते हैं, यानी कि MMORPG टाइप के गेम्स पसंद होते हैं, जहाँ पे एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आप लोग ढेर सारे लोगों के साथ गेम खेलते हो, बहुत बड़े बड़े बॉस बैटल्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ढेर सारे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, और अपने करेक्टर को फुली कस्टमाइज अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये गेम आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाला है। एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट आप लोगों का इंतजार कर रहा है बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, तो जल्दी से जाओ और गेम डाउनलोड कर लो। गेम का साइज रहने वाला है 480 MB और गेम ऑनलाइन रहेगा ही रहेगा। अब दोस्तों इसी के साथ में बढ़ा जाए आगे बात की जाए इसके नंबर सिक्स गेम की, तो निकल के आता है जीरो बेस्ड वर्ल्ड। अब हाल फिलहाल में रिलीज होने वाला ये गेम होने वाला है एक सैंडबॉक्स टाइप का गेम, जिसमें आप लोगों को एक नहीं बल्कि कई सारे ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेंगे। हर ओपन वर्ल्ड की अपनी स्टोरी है, अपना एनवायरनमेंट है, अपने ही प्रोज और कॉन्स हैं और अपना ही मजा है हर स्टोरी के अंदर। तो अगर आप लोगों ने ऐसी गेम अभी तक नहीं खेले या आप लोगों को रोब्लॉक्स जैसे गेम्स पसंद होते हैं जिसमें एक गेम के अंदर बहुत सारी दुनियाएं होती हैं, तो ये गेम आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेस्ट होने वाला है।
गेम का साइज आने वाला है 1 GB और गेम ऑनलाइन रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके नंबर 7 गेम की। तो निकल के आता है डियाब्लो इमॉर्टल। तो गाइस फाइनली वेट खत्म हो चुके हैं उन सारे लोगों का जो के इंतजार कर रहे थे डियाब्लो इमॉर्टल का, यानी कि ये गेम इतना ही लंबा खींच गया कि भाई प्री रजिस्ट्रेशन से पहले भाई साहब ये बीटा स्टेज में था, फिर ये अर्ली एक्सेस में आया और भाई काफ़ी देर तक अर्ली एक्सेस में चलने के बाद इसका क्लोज बीटा टेस्ट फिर से हुआ और फिर प्री रजिस्ट्रेशन हुई और अब फाइनली ये गेम इतने सालों बाद हमें देखने को मिल गया है अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर और iOS के ऊपर। गेम का साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 11.5 GB का गेम का साइज रहने वाला है। गेम ऑनलाइन रहेगा लेकिन भाई साहब टाइटल इतना ज़्यादा बड़ा है तो भाई इतना साइज तो बनता ही बनता है। बाकी गेम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हो एक RPG स्टाइल का गेम रहने वाला है। ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि मैसिव ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट है। तो ये गेम अगर आप लोग खेल सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, यानी इतनी स्पेस है, तो ज़रूर से ट्राई करना, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। अब दोस्त इसी के साथ बढ़ा जाए, आगे बात की जाए इसके नंबर 8 गेम की। तो निकल के आता है गैंग्स टाउन स्टोरी, यानी GTS। अब गाइस अगर आप लोगों को GTA खेलना अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर तो ये गेम आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाला है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है 952 MB। गेम ऑनलाइन रहेगा और आप लोगों को एक तगड़ी स्टोरी देखने को मिल जाएगी गैंगस्टर वाली, यानी कि आप लोगों को पूरा का पूरा एक GTA वाला तड़का देखने को मिलेगा गेम के अंदर। आप लोग व्हीकल चला रहे हो, ढेरों सारे मिशन कर रहे हो, माफिया डॉन से पंगे ले रहे हो, पुलिस को मार रहे हो और स्टोरी में आगे बढ़ रहे हो। गेम काफ़ी तगड़ा है, एक दफ़ा आप लोग खेलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की दिल को छू जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ा जाए, आगे बात की जाए जिंदगी के 9th नंबर के गेम की। तो वो निकल के आता है गैदरर्स। अब ये भी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ एक गेम है जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट और एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे भाई एलियंस ने कब्जा कर लिया है, यानी कि आप लोगों के पूरे प्लैनेट के ऊपर एलियंस आ चुके हैं और उस स्पीशी ने पूरी की पूरी आप लोगों के जो ह्यूमन की और जो वहाँ पे क्रिएचर है उनको एक्सटेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों ने उन एलियंस को ढूंढना है, उनकी बेसों पे जाना, उनको मारना है, उनको ख़त्म करना है और ढेर सारे आप लोगों को टास्क करने पड़ेंगे और गेम में आगे बढ़ना पड़ेगा। गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं, साइज भी छोटा सा है, यानी कि आप लोगों को 146 MB के राउंड अबाउट गेम का साइज देखने को मिलेगा और गेम ऑनलाइन रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ा जाए, आगे बात की जाए इसके नंबर 10th यानी लास्ट नंबर के गेम की। तो निकल के आता है गोट सिमुलेटर। अब भाई एक वक्त था कि ये प्लेस्टेशन और PC के ऊपर गेम आता था और लोग इसको खेलने के लिए पागल हुए रहते थे, लेकिन अब फाइनली ये गेम एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर आ चुका है, यानी कि ये एक एप्पल आर्केड गेम भी बन चुका है और भाई आप लोग एप्पल फ़ोन पे भी ये एंजॉय कर पाओगे। आप गेम में आप लोगों को भाई एक सिमुलेशन करनी होगी गोट की, सिर्फ गोट की नहीं, यानी कि आप लोगों को ढेर सारे और भी एनिमल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे जिराफ, एलिमेंट वगैरह, तो आप लोग उनकी भी सिमुलेशन कर सकते हो और भाई जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आप लोग चाहे कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप लोग एक एनिमल होते हो, आप लोगों के ऊपर कोई केस वेस नहीं चल सकता, ना ही आप लोगों के पीछे पुलिस लग सकती है, लेकिन भाई साहब हंटर्स लगेंगे और आम लोग लगेंगे जिनको आप लोग तंग करोगे और जिनसे आप लोग पंगे लोगे। बाकी गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है 570 MB। गेम ऑफलाइन है और भाई बहुत ज़्यादा एक फनी वाला गेम प्ले आप लोगों को ये गेम प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों बस ये थे वो सारे के सारे गेम जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताए थे। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे के सारे गेम नहीं भी अगर पसंद आए तो कोई ये गेम पसंद आ गया होगा। जो भी गेम आप लोगों को पसंद आए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप लोग जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो और मजे कर सकते हो गेम खेल के। तो बस जाने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल यानी बिल गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब मार लो। अगर इस चैनल पर भी पहली दफ़ा आए थे तो सब्सक्राइब मारे बगैर और वीडियो को लाइक किए बगैर कहीं मत जाना। तो बस मैं आप लोगों को 200 बाय रिबील मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार गेम्स और कुछ और मज़ेदार बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड।